जिन्ना चर राणी भी आंदी उन्ना चर राजे दी सेवा दा मौका ले लो। देख की में ठरक पोरदा है। हरी हरी गंदल ता हरी हरी है, आ गई जलेबियां खान की थोड़ी बुढ़ी मरी है। हाय हाय, वे क्यों शगनल दिन को बोल बोलदा है? वेख की वे कुत्ते वांगू भौंकदा वा। चिपड़ जा, मुंह तोड़ देना तेरा मैं। ओहो, वे कंध बने खड़ा परा हो। नी मां सदके आ गईया, ये तो कह तो डर गईया, ये तो एहो जई है। मासी है कौन है? ये रंजा है, बुट्टा सर पुज्जी दा मुंडा। प्यो ते तो पुन्नड़ा जमा ही नहीं गया। चलो आज आज गालो गालो हुन, चलो फिर आज आज आज। ओ बल्ले ओए रांझिया, हीर आला गुस्सा मिलना ते तेरी साला मल्लू मली सट ओथी बजदी है। ओ साडे कर्मा च एहे जी लिख दिंदा कोई वे सरदारा कुछ दे ही दे। आजा साइकिल ते बैजा, तेनु झूठे दे देना है। जा वे रुड जाणिया, ठरकी जाना होवे ता तेनु ता किते मैं गद्दा उड़ा ना देदा। पकाई वे किवें मारदा ओ वेख नी रफूजियां दा रांझा। ले ओनु कह लिया वे सरदारा कुछ खाण नु ते लिया, सुखी संधी ब्याह आई तेरे घर च, ओ वेख नी लेई आंदाई। जोंदा रे पुत, तेरी भैन दा ब्याह सुखी संधी हो जाई। ਪੜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤੋ ਤੋਂ ਰੱਖੜੀ। ਓ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਸੱਸੀ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਖੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਏ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਦੇ ਬੇੜਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆ। पुत्र नाल डोली बैठ के हुर हो गई। क्यों लगिया मिर्चा? ओए हाले ता चौदह ही गिनाइया ने, जिस हिसाब नाल तू लगया मेरा तू गिनती मुकाएगा। हाले तो पंद्रहवी तेरे नाल उदो हूं जदो प्रीतो दे जवाक तेनु घोड़ा बना के तेरे उत्ते बैठ के कहेंगे चल पामे दे घोड़े दागड़ दागड़। चल पामे दे घोड़े दागड़ दागड़। चल पामे दे घोड़े दागड़ दागड़। क्यों खा पी के खलारा पाया? तड़के तो देखी जानी तेनू अखी लच्छन फड़े ने, देखने वाले की सोचते होंगे, मेरे ते एवें शक करनगे। तेरा जाना कख नहीं ते मेरा रहना कख नहीं, बिना मां बाप दी धीआं आ देख आ बन्ने तेरे अगे हाथ। कालू मेरी बरात आनी है ते तू ना ही आई, एवें कोई ना कोई नवा स्यापा छिड़ू। रांझिया
एक गल सुन के जाई, क्या मैं भी नहीं सकी। प्यार मैं भी करती सी, पर हुण कुछ हो नहीं सकता। हो तो बहुत कुछ सकता मेरे पुत दा। सारे चलो चाह पी लो, आओ चाह पियो, चाह चलो चाह पीने, चाह चलो भी चलो 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 सारे चलो। सुन लो माई भाई, जानी कूंज काग नाल व्याई। सब गल सुन लो माई भाई, जानी कूंज काग नाल व्याई। सब गल सुन लो माई भाई, जानी कूंज काग नाल व्याई। इत्थे आप न जावे बनाई, लोक बनाउंदे ने जोड़ी। हो कोई बिरले ने जेड़े तुहों लिखा के ल्याउंदे ने जोड़ी। हो कोई बिरले ने जेड़े तुहों लिखा के ल्याउंदे ने जोड़ी। हो गया मां दिया शेरा, मुख तो जरा उठा दे सेरा। अगया मां दिया शेरा, मुख तो जरा उठा दे सेरा। हर कोई दर्शन कर ले तेरा, कम कोई रहे ना ओले दा। देख लो आ सेरा चो निकलिया चाड़िया चन्न विचोले दा। देख लो आ सेरा चो निकलिया चाड़िया चन्न विचोले दा। यह है बाप मुंडे दा सक्का, ना कोई मुंह ते ना कोई मत्था। ज्यों कोई जिन पहाड़ों लत्था, पिछे लाई पलीती है। आलो गुड़ मसाब नाल कुड़मनिया ने चंगी कीती है। आलो गुड़ मसाब नाल कुड़मनिया ने चंगी कीती है। शक्ल न जीजा मिलती तेरी वे, होए क्यों बाप तेरे नाल शक्ल न जीजा मिलती तेरी वे। आपा घोल के शरबत प्याया, उसने ऐसा असर विखाया। घोल के शरबत प्याया, उसने ऐसा असर विखाया। जाके मेल च पड़तू पाया, सारा कारज सौर गया। फिर सेरिया वाला जिद्दर नू आया दौड़ गया। फिर सेरिया वाला जिद्दर नू आया दौड़ गया। काका जी नू बुलाओ, आपां छापा दी रस्म कर लिए। ओ ओ बिंदर कित्थे है?
ਇੱਥੇ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਓ ਮਿੰਦਰਾ ਓਏ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਆਉਂਗਾ ਬਾਪੂ ਖੜ 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 ਤੋ ਕੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਤੋ ਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪੀ ਦੇਖ ਲੋ ਲੋ ਕਰ ਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਓਹ ਇੰਨੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਚਲੋ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆਈ ਬੱਪੂ ਬਿੱਟੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਡਲਿਆ ਨਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਚੰਦ ਪੈ ਗਈ ਤੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਠੰਡ ਪ੍ਰੀਤੋ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਅੰਬ ਲੈਣੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂ ਹੱਕ ਕੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤੁੜਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੀਤ ਕਰਦਾ ਲਾਵਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਰਾਂਝਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਜੂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਤੂੰ ਨਾ ਕਾਲੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਰਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਇਲਤੀ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੂਰਨਾ ਵਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾੜਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਚਾ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੜਵਾਇਆ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਤੜਾ ਲਈਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਰਾਂਝਿਆ ਤੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਬੈਠਾ ਛਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਨਾ ਪਾ ਬਾਪੂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁੜਕ ਬੁੜ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਮਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੀ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਹਾਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਡੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਡੰਡ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦੀ ਜਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹਣੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਢੁੰਝਡਾ ਤੀ ਕੋਈ ਫੇਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੰਦ ਨਾ ਕਢਾ ਲਈ ਆਪਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚੁੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਦਬਾ ਹੋ ਜਾ ਇਥੋਂ ਉਹ ਦਬਾ ਹੋ ਜਾ ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸੰਗ ਸਰਮ ਉਹ ਜਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਛਿੰਦਿਆ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਜੇ ਕਤਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੈ ਹੈਂ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਚੌੜ ਦੀ ਚੌੜ ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਖਰਚਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਾਂ ਗਦੌੜਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੱਲੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੂਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਉਹ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੂਟਾ ਸਿਆ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਰਾਂਝਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪੱਠਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੱਦੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਊਗਾ ਬਾਪੂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਆ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਿਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਗਰਮ ਆਹ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਿਆ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੱਦੂ ਘਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਰਾਂਝੇ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਾਦੂ ਹੈ ਲੈ ਦੇਖ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜੇ ਰੋਟੀ ਉਹ ਖਾ ਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਿਆ ਘੀਚੂ ਦੇ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਲੈ ਫੜ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਰੋਟੀ ਆ ਜੋੜੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ
सारी पंचायत अगे सिर नहीं मकरा छड़ा जे मेरा और रब दा वास्ता ही जा पिंड छड़ के चला जा किते सारा पिंड इहो चाहुंदा ही सारे पिंड नूं छड़ तू दस की चाहुंदा बाबू मैं भी इहो चाहुंदा वां ओए, लगदा शहर चलिया व्याह दा समान लैण मेरे लिए की लैके आएगा भूआ फुफड़ तो ना मैनू बाली उम्मीद है नहीं चल मैं आप ही दस दिनी हाँ एक तो नंदा वाला सूट नाल गोटे वाली चुन्नी सितारे लगी हुई तैनू तेरे भूआ फुफड़ ने कुछ दस्या नहीं लै मैनू कितने कोई कुछ दसदा है तेरे फुफड़ ने पंचायत मैनू पिंडो कढ़ाता कढ़ाता हुण फिर मैं की करूं तू मेरी उड़ीक करी मैं बहुत छेती तेनू व्याहुण आऊंगा पर चला कित्थे है पता नहीं मैं चलता मेरी बस लंघ जू कित्थे वाली बस ये भी नहीं पता से सारे नाल लै गए जान वालिया हासे सारे नाल लै गए जान वालिया वे जान वालिया वे जान वालिया हाँ भाई तुमने किधर मुंह चाका है ओ साहब जी थोनू दस्या दा सी क्यों याद नहीं हाँ याद है बिल्कुल याद है आपने पला क्या दसा था ओह साहब जी की बनू थोड़ी भुलण दी बीमारी दा ओ मैं दस्या सी मैं पिंड जा रहा हाँ खबर दसा था खबर नहीं दसा था पर ओ मैंने भी तो दसा था ना कि जब तक तेरी थां दूजा बंदा नहीं आ जाता तुम घर नहीं जा सकते ओह साहब जी मेनू नहीं लगता हुण इत्थे कोई आऊगा मिंता लगदा बिया बन दे के मुड़ी गया होना ओ साहब जी ओ वेखो वेखो कोई तुरे आउंदा है ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਜਹਨ ਸਾਹਿਬ ਜੈ 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 ਸਭ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੁੰਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਭੂਆ ਭੂਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ ਓਏ ਉਹ ਤੂੰ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਟਫ ਲਿਆ ਕਰ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਡੌਲੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓਗੇ ਜੀ ਪਰ ਪੀਣਗੇ ਗਰਮੀਓ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਚੱਲੇ ਥੋ ਜੇ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਫੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਸਗੋਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੱਧ ਬੜਾਂਗਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਂਗ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੌਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਈ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੌਲਦਾਰ ਆ ਸਭ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਹੌਲਦਾਰ ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫਿੱਤੀਆਂ ਵੇਖੋ ਸਭ ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੈ ਹਿੰਦ ਹਾਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਮ ਟਿਕਾਣੇ ਪੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਤੁਰ ਜੀ ਸਮਾਨ ਤੇਰਾ ਬੁੜਾ ਚੱਕੇਗਾ ਚੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਤੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਅੱਛਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਮਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਦੱਸਾ ਥਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਂਝਾ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਰਾਂਝਾ ਵਹੀ ਰਾਂਝਾ ਜਿਸ ਕੋ ਸਾਹਿਬਾ ਕੇ ਭਾਈਓ ਨੇ ਵਾੜ ਦਿਆ ਥਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਂਝਾ ਸੀ अरे जो भी है मरे तो दोनों कंजर कामों में ही बैठ जा हाँ जी
देखो जबान, तीन बातें मेरी बहुत पक्की है। अच्छा जी। एक तो मेरा स्वभाव बहुत कूता है। अच्छा जी। दूसरा, मैं कोई बात भूलता नहीं हूँ। तीजी? तीजी क्या? बात। बातों बूतों में क्या रखा है? अच्छा जवान, तुम कोई गाल सुनाओ। थोनू जी। हाँ। गाला जी नहीं है मर्जी साहब। तेरी गाली। गाली नहीं, बात। अच्छा जे बताओ, हर बंदा फौज में कुछ ना कुछ सोच के भर्ती होता है। हाँ जी। तुम क्या सोच के फौज में भर्ती हुए भाई? सोचना सोचना की है जी, मेरे तो कुबे दे बजी लत वाली गल हुई। पिंडो लत बजी, मैं फिरोजपुर जा बजा। उत्थे फौज दी भर्ती चलदी सी, मैनू लग्या लंगर चलदा, मैं अंदर गया, उन्होंने नाल मैनू भी भजा लिया। बस फिर तुहाडे सामने खड़ा जी, असमान जे चकते नाल बंदूक जी फड़ाती, कहिंदे बॉर्डर ते चल। मैं तां बड़ा दुखी है। जे कुबे के लात तो बचती रहती है, अब मैं तुम्हें बॉर्डर के रूल समझाता हूँ। जी सर। आप रेडी हो? जी सर। दसो साहब। क्या? बॉर्डर दे नियम। कौन सा बॉर्डर? हाँ, बॉर्डर का। चलो आ जाओ। कमाल दा बंदा यार, इशारा किधर करता, तुर किधर पे। देखो जवान, यहाँ से 200 नहीं नहीं आधा किलोमीटर तक हमारी थौ है, और उसके आगे पाकिस्तान है। उधर से कोई इधर आए तो ठोक देना। ठोक तो मैं दूंगा जी, पर मैंने एक गल दसो, दो मुल्क का बॉर्डर है पर बिच निशानी है ही नहीं। जवान, जहाँ पे एक पत्थर की निशानी थी, नेरी आई, निशानी रेत में दब गई। पर अपन पता कैसे लगू अपना बॉर्डर कितने तक है जी? जवान, तुम्हें वो टीबा दिखता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ तक हमारी हद है, और उसके आगे पाकिस्तान। हाँ, संभालो मोर्चा। जी साहब। हाँ। क्या हुआ साहब जी? अपने नाल तो जगो 13वीं होगी जी। पर तुम कौन हो? साहब मैं रांझा, आज मैं कल तक ड्यूटी ते आया। हां, याद है, याद है। क्या हुआ? अपना बॉर्डर उठ गया जी। बॉर्डर उठ गया? हां जी, हां जी। चलो दिखाओ। आओ जी, आओ जी। बॉर्डर ना हुआ, लावा हुआ। किधर उठ गया? देखो जी, नाइस लोकेशन साहब। बॉर्डर? हां, रातों-रात ही उठ गया जी। हां बेवकूफ, बॉर्डर उड़ा नहीं है, ये रेगिस्तान है। यहाँ टिब्बे अपनी जगह बदलते रहते हैं। अच्छा जी, फिर होना? हल निकालते हैं, कोई बात नहीं। बहादुर सिंह, दिमाग लड़ाना पड़ेगा, दिमाग लड़ाना पड़ेगा अगर है तो। ओए, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अब हटो। दिमाग लड़ाना पड़ेगा। लड़ गया। अरे मूर्खो, तुम भी ध्यान रखा करो, सारा दिन बैठे रहते हो। करी की जंदा बिंगा जी। इसको बांध देता हूं, नहीं तो ये फिर उड़ जाएगा। अब हो गया पक्का काम। आ, बहुत दिमाग है भाई बहादुर सिंह। वो सामने देखो, मैंने चंडी गाड़ दी है, वहां तक है अपना हिंदुस्तान, और उसके आगे पाकिस्तान। उधर को इधर आवे तो ठोक। जवान, अब जम के ड्यूटी दो, मैं थक चुका हूँ,
मैं सोने जा रहा हूँ। जाओ जी। कहाँ? सोन। यस। शाबाश जवान। ये चंगा बंदा यार, डंडा कट के थक गया साहब। हाँ, बड़ा भी है इधर तक किट्टा भी सूरज वांगू चमकता है। आयो रब्बा, अड्डियां कूचण दी भी नहीं लोड़। मत्था टेकदा चाची जी। आंदा रे भाई, मैं तू किधर? मैं तो इधर बार मूरो लंघिया जांदा सीगा जी। मैं कहा जांदा जांदा चाची नूं मिल जां, जे ना मिले तो गुस्सा करूगी। ना भाई, मैं कानू गुस्सा करना बग जांदा। चाची तो नगदी बेइज्जती करी जांदी है। आ बग्गू गोशे लेके आया सीगा जी, आ खा लियो तुसी भी। मेरी खांदी है जुत्ती, लगदा बब्बू गोशियां दा। बड़ा भी है, मेरे बग्गू गोशे भी तेनू कौड़े लगते है। उस पतंदर दे कौड़ तो मैं भी पतासे वांगू लगदे तेनू। वे तू की भौंकी जाना है? वे शुक्र कर चाची, भौंके ही आ वड्या नहीं किट्टिया तो। जेड़े हिसाब नाल थोड़े घर दे हालात ने ना, हुण इहनू कोई चज दा मुंडा तां मिलना नहीं। तुसी मेरे नाल कर दो इहदा रिश्ता। वे तू जुत्तियां खाएगा हुण मैथों, खड़ वे मर जाने। तेरी तेरी हिम्मत किवें होई वे कट्टे आके मुंडा गल करदा नहीं। तू रहण दे, खाली प्रीता नूं कुट लैण दे। दफा हो जा इथों, बंदे दा पुत्त ना तां मुंह ना दिखाई मैनू। चाची तुसी इहदा हत्थ फड़ाओ, पुत्त तां चाहे बांदर दा ही समझ लो। ओए जन कीड़ा तेरे इहो जे दे, दफा हो जा इथों, तैनूं मैं कहा। फिर मैं हुण रिश्ते नूं ना ही समझा चाची? तू लेके जाई डोला, मैं धरदी आं तेरे हत्थ ते रुपया। पता नहीं कित्थों आ जांदे ने उतरे नखत्ते। साहब जी, साहब जी देखो तो सही। साहब जी क्या है ये? साहब जी बॉर्डर उड़ गया सी, मसा फड़ के लिया मैं। अच्छा उड़ गया था? और की चाय को छोड़, पहले बॉर्डर देखते हैं। जानते खेड़ के चक के लिया जी बॉर्डर। तुम रोज मेरी तड़के तड़के नींद खराब कर देते हो। अब तुम्हें मैं एक ऐसा तगड़ा तरीका बताता हूँ, इसे बॉर्डर का पता करना पक्का काम हो जाएगा। जहाँ से 250 कर्मों तक हमारा इलाका, इससे गांव का दूजा देश। आ हुई ना गल, पहला मेरे पोते तो मैंने ऊँ खजल करी गए, कद झंडी देख कद टिब्बा देख। मैं हुने कर्मा मर के आना। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ छब्बी सताई अठाई लेफ्ट राइट। हाँ लेफ्ट राइट है। 150 152 152 153 लेफ्ट राइट लेफ्ट रॉन्ग। खबरें 150 खबरें 200 211 212 203 215 ओए 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 ओ 203 ओ मैंने गलत दस दिया। ओ रंजे ओ सोनी मेहमान ओ फरियाद 231 232 मेरी गल सुन। ओ तू गलत जा रहा। अरे इसका तो भोग पड़ेगा, जेल नहीं बचेगा। और तुझे अब गोली मार देंगे वो। और मरने तो पहले नाम तो दस जाए। 200 ये मरेगा हुआ है। और आ जाओ है, आ जाना हुआ है। होगी 250 चुमा सही है। ओ पाकिस्तानियों, कान खोल के गल सुन लो मेरी, आ खिंचती लकीर। जनाब ओ हिंदुस्तानी अपनी हदूद अंदर आ गया, इहनू ते ठोका। रहण दे गुलफाम, कोई सिर फिरा नवा भर्ती होया होना, आपे मुड़ जाएगा। ओ जे कोई थोड़े चो इधर आया ना, मैं ठोक दू। ओ लागी समझ मेरे पुत दे। आ रखता पैर थोड़े वाले पासे भी। इसने मेरी सुनी नहीं, जे मरेगा। साहब हमला हमला हो गया हमला। आ लगते मजरू क्या, जब तुम्हें ऊंची ऊंची बाजे दे रहा था
तुमने मेरी क्यों नहीं सुनी? पैर पसर पसर के तुर रहा था। पहली गल तो साहब यह है कि मेरा नाम मजनू नहीं, मेरा नाम रंज है। दूजी गल है कि जो कोई बंदा तुरै जाता है पिछले वाजा नहीं मारी दियां। तीजी गल है कि जे मैं गिनती भुल जाता मैं पाकिस्तान वाले पास जा बढ़ना सी, ते अगले ने मेरे हिक च गोली मारनी सी हिक च। ते चौथी गल साहब यह है इधरला पैर मेरा पाकिस्तान जाया है। वधिया कीता साहब ना। तुम्हें पांचवी गल का तो पता ही नहीं, तेरी एक टांग नहीं, तू पूरे का पूरा पाकिस्तान में था, उल्लू का बड्डा। जनाब ठीक क्यों ना? हाँ गुलफाम, गोली लात में झोंके लगे। आस्ता जनाब, आस्ता। एक तो जो दिन भी बड़ी छेदी चढ़ जाता है, ऊपर से रांझे का पूत ने आज उठाया ही नहीं। ओह, ये बकरा भी है ना रास्ते में बांध रखा है। ओह, ये तो ऊंट है, अगर तुम बकरा होता ना तो झटकाया जाता। हाँ भाई मजनू, तुमने बड़ा मुंह सा मरोड़ी रखा है। साहब मेरे पुत्र दे रात तक कसूते ही काम हो चलिया सी। कसूता काम? कौन सा कसूता काम? कसूते वर्गा कसूता जी। रात पाकिस्तान वाले पासियों दो बंदे आ गए, मैं मारी छेक ते बंदा मुदे मु। छीक से बंदा मुदे मु? अरे तुमने बंदूक में डालकर छीक मारी थी? छेक नाल गोली भी चल गई सी। जब मैं लवे जाके देखा ना जमे मेरे वर्गा बंदा जी, मेरे वर्गा नक, मेरे वर्गी अखा, बिल्कुल मेरे वर्गा। अच्छा तुम ये बताओ कहीं तुम्हारा बापू पाकिस्तान में गेड़ी तो नहीं लगाने गया था? ओ तू चंगा बंदा साहब, मैं तो जदों अपना मुंह किसी बगाने तड़ते देखा मैंने तो डोबू जे पई जांदे ने। अरे जवान तुम्हें डोबू नहीं, होम सिकनेस हो गई है। ए मेरे पुत्त दी की हुंदी है? मैं तो कुछ पुट्ठा सिद्धा भी नहीं खादा जी। जवान जब तुम होम से निकले होंगे तो किसी ने सींग मार दी होगी, होम सिकनेस हो गई। जय हिंद साहब जी। जय हिंद। आ साहब जी चिट्ठी आई है जी कोई अपना रांझा सिंह दे नाम दी। मेरी है। अरे जवान तुम कुछ खा पी लिया करो भाई, बड़े कमजोर से भर्ती हो गए। आहो साहब जी तुसी तो जिवें गड़ाई लेके कमीज पाड़ दिंदे हो। चल जाके चिट्ठियां बांट। चिट्ठियां? हाँ भाई जवान, कोई प्रॉब्लम? बापू ढिल्ला हो गया मेरे पुत्त दा। फिर तो तुम्हें जाना चाहिए। दारू पी पी ढिल्ला हो गया हुण? वाह, जे होता प्यो पुत्त का प्यार, पहले तुम्हें याद करके दुखी होता होगा फिर पीता होगा। कानू खुशी च पींदा होना कि बला टली। छुट्टी के लिए अर्जी दोगे तो बहुत दिन लांग जाएंगे, वैसे काम तो है रिक्सी, तुम्हारा तो जहाँ से पीट भी नेड़े ही है। तुम चले जाओ मैं सांभलूंगा, ठीक है? ऐसी चिट्ठियों का मतलब होता है कि बंदा लबे लगा हुआ है।
बापू की भाड़ा वर्त गया है। आया रब्बा पेंट वाला कोई बैठन भी नहीं आया। ऐसा की बड़ा करता जी तू बापू है। हाली मैं कमबख्ता क्यों जो पटन दिया। ओ जा ओए बापू तेरिया भी कच्चिया गल्ला ने। चिट्ठी भी पाई मरिया फेर नहीं तू। चिट्ठी केड़ी चिट्ठी ओए। मैं कोई चिट्ठी चुट्ठी नहीं पाई है। फिर होर केड़े कंजर ने पाई है। उधर बॉर्डर पता किन्ने काम छड़ के आया मैं। किड्डा पंगा पिया होया उत्थे। किड्डा पंगा होए की हो गया। ओ कितने लड़ाई दे लगी। लड़ाई कानू छड़ बापू तेरे नहीं समझोनी। ओए दसेंगा भी होया की है होना की है। इस बार पाकिस्तान वाले पासों साडी चौकी ते दो फौजी आ पड़े। मैं गोली मारती गोली लगी एक दी लत च। मैं जद बापू जमे कोले जाके ओदी शक्ल ते टार्च मार के देखिया ना हूबहू मेरे वर्गी शक्ल। माड़ी मोटी शक्ल किसी नाल मिलती होवे वो गल होर होंदी आ पर मेरे वर्गी शक्ल आही अक आही नक आही कन बनिया तणिया मेरे वर्गा बंदा। बापू मुकदी गल जे मेरे वाली पग तू ओदे सिर ते धर दे तू भी नहीं पछाण। की होया बापू तू कहनू रोण लग गया तेरी अखा च हंझू। पुत्रा जदो अपने खून दे हत्थों ही अपने खून दा खून बह जे फिर अखा चो हंजू तो बह ही जांदे ने। नारायण तकबीर वट सुटो इना काफरा नू। कोई भी पाकिस्तान दी पाक धरती तो ना पाक सुक्का नहीं जाना चाहिदा। चलो बहुत ज्यादा है तुसी किसी ना किसी तरीके पिछली कंध टप जाओ। चलो निकलो हुण जल्दी। नठ गया। चलो दूजे मल्ले चल दे। अगला के देख लिया। चलो 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 अल्लाह अकबर। छंडरा नहीं आज कल्ले कल्ले नु मार लेना ही कल्ले बाबा जान मिंद्र कुरे
तेरे बाकी महेंद्र करो कितने दबा बूटा सिया असी हाँ तू कला टब्बर कित्थे तेरा पाऊ हाडे घर ते दंगाकारियां ने हमला किया मैं अपने घर दी ते दूजे बच्चे नूं लब्भण डिया भाई जी तुसी साडे नाल कैंप चलो नहीं ओ कमला तां नहीं हो गया बूटा सिया इत्थे नाल खेडदे नाल रहिंदे सारे दुश्मण बन चुके ने ओए आपदा नहीं तां निक्की जी जान दा ख्याल कर चल कैंप चल पर पाऊ मैं अपने घर दी ते दूजे बच्चे नूं खड़े बिना किदां जा सकना वा ओ जे वाहेगुरु नूं मंजूर होया ना तां ओह वी मिल जाणगे कैंप च चल आया वाहेगुरु करे उठी होणो घबराना बूटा सिया असी नाल तेरे चल चल पुत्रा ए उतरी मां महेंद्र कौर बस उदो रौलिया वेले दी बिछड़ी मुड़के कोई थौ पता नहीं लग्या जे हुण तू कित्थे चलिया ई बार्डर ते चलिया भाई दे कोली वज गई मेरे तो ओए सवेरे दिन नहीं चढ़ना जां सौं खारे मान नाल जाके ਨੀ ਤੂੰ ਛਿੰਦੀ ਕੇ ਜਾਇਆ ਇਸੇ ਬੈਠਣ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਭੈਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਫੌਜੀਆ ਚੜਾਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਰਦੀ ਚ ਬਾੜਾ ਹੀ ਫੱਬਦਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਡੀਕਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਂ ਫੌਜ ਚ ਮੌਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜਣ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੰਗ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀ ਤੂੰ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਪ੍ਰੀਤੋ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤੂੰ ਜੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ शायद उसका नाम मजनू है हाँ जे मजनू का बच्चा काम कोई करे ना करे चाहे दुख तोड़ बनाता है बंदा उड़ू 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 आए लगता जे अपनी चौकी भूल गया और सब पलक्कड़ मेरे पल्ले पड़ने थे अरे आ जा और ठहरे इसके आगे मत जा आगे क्या है वो और दूसरा देश है तू उस दिन तो बच गया था इसको अब गोली लगनी है और तुझे मार देंगे ओ मर गया भाई जी सत श्री अकाल भाई जी ओ मैं थोड़े नाल गल करनी सी के उधर गलती नाल चल गई सी मेरे तो गोली ए हिंदुस्तानी ने बड़े नक च दम किया पता नहीं क्यों हदूद पार आ खड़ा आज इन्हें बुला के देख लिया मर गया मैं अच्छा और तुमको इन्ने की भी अकल है साहब उदन जी दे पैर ते गोली बजी सी ना ओ भाई है मेरा मैनू आप बापू ने दसया जो भी है वो दुश्मन देश का फौजी है समझो साडे दोहां च कादी दुश्मनी असी तो इको मां दे जाए हां इस जट को कैसा समझाऊं चल मेरे साथ आ तो मैं चाय बनाता हूँ बैठो मंजे पे गोलियों से बच के आए हो तो मैं बम से चाय बनाता हूँ मान लेते हैं कि तेरे बापू ने दसा कि वो तेरा भाई है तो तुम भी समझो वो पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है चुपचाप नौकरी करो इसी में भलाई है समझे कि नहीं ले, जट के पुत कान खोल के मेरी बात सुन ले तू आप तो घोसड़े खाएगा ही खाएगा साथ साथ मुझे भी बनवाएगा अगर तू दोबारा मुड़ के उधर गया
तो तेरा मैं मंजा बिस्तरा गोल कर दूंगा। साहब बंदे माड़े नहीं जिएगे मेरे पुत दे। क्यों तेरे को वहां जाते चाय के साथ बताना देते हैं? साहब तुसी आप सोचो, जिहड़ियां गोलियां मेरे पैरां च मार रहे सी वो मेरी हिक च भी मार सकदी सी कि नहीं? तेरा कुछ नहीं हो सकता चंडा सिंह। चंडा सिंह नहीं जी, राजा सिंह। चलो जो भी है बस ध्यान च रखे, तू अंदर नहीं जाना, नहीं जाना, समझा? ही कुछ चाल होगी। ओहो मैं तुम्हें सबूत दिखा सकता हूं। ओ हिंदुस्तानिया, ओ हिंदुस्तानिया, जनाब ठीक तो होना नहीं जनाब। भाई जी आप बस सके पाई ना, मैं तो सबूत दिखा सकता। भाई अपने तो बड़ी इज्जत कमाई। अच्छा? ओ वेखो मेरे होने वाले साला साहब आ रहे ने। फौज च बड़ा फौजी है, वड्डा वड्डा फौजी, जदों भी आंदा सीधा पहले मेनू मिलता है। इनू कहंदे इज्जत। हुण वेखियो सीधा मेरे वल आना। की हाल है साजिद मियां? अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम सलाम इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। तू ही अचानक किदा? सब खैरियत ता है ना? सब खैरियत है, तुसी सुनाओ। सब वधिया। आ मेरे यारां दोस्तां नु दसो कि किन्ने के हिंदुस्तानियां नु बुन के आयो। साजिद साहब तुसी क्यों हिंदुस्तानियां नु इन्नी नफरत करदे? इकबाल साहब मेरी छोटे होंदे तो इच्छा सी कि मैं फौज भर्ती हो के सरहद की राखी करा ते हिंदुस्तानियों नु पुन्ना। ओ ते अल्लाह मियां ने कद काट नेका रख दे। फिक्र क्यों कर दियो साजिद मियां, ए ते शाही कद है ना। ओए फिक्र किस गल दी जे, जो कम असा नहीं कर सके वो साडे होण वाले साला साहब कर रहे ने। आओ घर चलने हैं, रोटी छोटी खाने हैं। ओ नहीं इकबाल साहब तुसी चलो जे, मैनू काम है एक जरूरी। अल्लाह अल्लाह। काम की इनू सोचन दा कि करना की जे। भाई जान तेरे अब्बू आ गए। सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम फैजा, सब खैरियत जी? भाई जान सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। बशीर किड्डा वड्डा हो गया यार तू, अगले साल नु मदरसे पढ़ना मुकबाल। सलाम वालेकुम अब्बू जान। वालेकुम सलाम। अम्मी जान कितने ने दिखाई नहीं दे रहे? वो ते नूरा फुफी दे पिंड गई है, कल आना उन्हें ते। ए नहीं चलनी ओए, हुण तां आ चलू। तू हिंदुस्तानी है, तू इत्थे रोज दा गेड़ा बने जिवें तेरी खाला दा घर हुंदा। मेरे पुत दिया दस भाई जी कितने ने? पहला घर तू दस। दसदा जा दब्बा कोड़ा। दस ना दस ना, जनाब ते घर गए छुट्टी लैके। ना की हो तेरे साहब दा? इकबाल अहमद। इकबाल अहमद कार दोस्ते दे जा, घड़े च पए ने। घड़े च ए नहीं चलने हो मेरे पुत दे। आ हो चाचा किवें तड़की तड़के मोर फड़िया फिरदा है? ओ चल तेनू घरे छड्या वा। ओ जिंदिया ओ घर नू छड्ड यार, मेरा तो ना ओ दुनिया छड्ड नू दिल करदे यार। दुनिया कान छड्डनी है चाचा, चाची जी एक कान ते छड्ड दे आपे ठीक हो जू मन। खाली बोतल की करनी है या फड़ा आई दी कुल्फी लेके खावांगी? खत्म होगी, खत्म मुकगी। चल तू करे छड्ड के मां। चल चल
प्रीतो करिए चाचा फिर ठीक है चल जिंदिया यार मैदान जवाई बटा गया यार चाचा ललकारे ता है मारते जिम्मे सरपंच जी जितया होना चल केड़े पासे लुटा गया तू ध्यान नाल ला इतरी ला दे कोड़ा मैं ला दे हां आ इथे ला दे हां कोई नहीं चकदा इनू ओ बोझ कर की देनी तू पैर थोड़ा इधर नु देख के है अब बैठ भाई चाचा हां ला ओ मेगल के मैं बैठे बुरा भी करने जिम्मे चाचा मेरे मन च एक तरकीब है जे कहीं ता दसा दस शिंदिया देखो भाई ऊं ता मैं सोचा सी भी जती सती मरना इसे करके मैं बड़े बड़े रिश्ते मोड़ते इतों तक के हेमा मलिनी का रिश्ता भी मैनू आया सी जो मैं बंबे गया सी ट्रक से उस नाल अखा मिल गया कहती व्याह करा मैं क्या बिना देख तू है भला मानस बंदा तेरा दुख चाचा मैं तो सहा नहीं जाता हुण जे तू आखे तो मैं औखा सौखा प्रीतो नाल व्याह करा सकदा मार गए दिया जाबा तक सुन बैठा सुनी की जाना जी अजय चुप कर शिंदा सही कह रहे हैं शिंदा जा फिर ये भी जट दी जबान है भाई प्रीतो दा व्याह तेरे नाल ही होगा ला इनू मेरे घरो यार भुआ फिर मैं रिश्ते नू हां ही समझा भुआ आ प्रीतो कन्नी हो खड़ मर जाने तैनू मैं बनाउनी है भतीज भाई जाना के नहीं इथो ओ तू जा इथो नहीं दा मैं मर सोना भी खालस जमा मगर सारा टब्बर चाहे कांटे बना बना पाई जाए भुआ इकबाल पुत्र आ गया है तू अस्सलामुअलैकुम मम्मी जान वालेकुम अस्सलाम की हाल है मेरे पुत्र दा मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी जान मैं ना थोड़े नाल एक जरूरी गल करनी सी हाँ दस पुत्र अम्मी मैं इस बार जदों आए हाय तुसी ते हले खाना शुरू भी नहीं कीता अम्मी जान सब तो पहला ते इन्हां नूं घुट के जफ्फी पाओ जदों ते घर आए ने ना इक्को ही गल अम्मी जान किथे जे अम्मी जान किथे जे आ वेख लो ढंग नाल खाना भी नहीं खादा पता नहीं इन्हां ने की गल करनी है थोड़े नाल दस पुत्र की गल करनी सी अच्छा मेरे सामने गल नहीं करनी ए दा मतलब मेरी चुगली करनी है या फिर मेरी सौकल ले आउंदा इरादा ते नहीं है ना हाँ पुत्र अम्मी जान इस बार जदों मैं बॉर्डर ते गया ना मैं बाल पुत्र चल मैनू हकीम दे विखा लिया नहीं ते भीड़ वध जानी है चलो अबू रोटी ते खा जांदा नहीं मैं आके खा लांगा चलो मैं चिरां दा सोचदा पिया सां जावां जावां पर वक्त ही नहीं लगा भाई जी दिन नहीं किते पर उधर जेड़ा मारी ना ओ मुड़िया मुड़िया ओ मुरो अगला उन्हें सीधी पुड़पुड़ी में गोली ठोकनी है कहना ही नहीं मानता बदतमीज पता नहीं क्या खा के जामा है तारियां चो लब दी फिरा नहीं ओ लबदा वे तू नहीं दिसदा वे तू नहीं दिसदा अम्मी जान आ गए हो पुत्र जी किवें जी की कहंदे हकीम साहब दवाई दे छड़िया तीन दिनां नूं फेर जाना पैणा अबू तुसी अंदर जाके आराम करो रोटी तुहानूं उत्थे फड़ा दिंदे हां भाई साहब मेरा सिर बड़ा पीट कर रहा है सोनी जी चाह बना देना जी भाई जान बशीर नु भी सवा देना बड़ा टाइम हो गया जी बेटा सवेरे खेडांगे चलो चलो चल अंदर जाके दूध पिलावा तेनु मैनु भी लगता मेरी सिर पीड़ है मैं नहीं ठीक होनी आजा मेरे सिर ते भी मालिश कर चल हां हां पुत्र रे आजा आजा मेरा पुत्र
अम्मी जान मैं थोड़े नाल एक बड़ी जरूरी गल करनी। इस बार बार्डर से मैनू एक हिंदुस्तानी फौजी मिले हू बहू मेरी शक्ल का, और जो मैनू कहन लग्या कि क्या होया मिजान? कुछ नहीं पुत्र, तेरे अबू की दवा का वक्त हो गया, मैं जरा उन्होंने दवा दे के आई। अल्हम्दुलिल्लाह, की होया, तू रो क्यों रही है? मेरा दूजा पुत्र जिंदा है। इकबाल कह रहा सी कि उन्हें अपने वर्गी शक्ल दे बंदे नू वेख्या किते। जे तेरा दूजा पुत्र जिंदा है तो जरूर बूटा सिंह भी जिंदा होएगा। अल्लाह जाने। वेख फातिमा, मैं इकबाल दे अब्बू नू लब्बन च तेरी पूरी मदद की थी। मैं उदों तेरे नाल निकाह किया जदों तैनू सहारे दी लोड़ सी। अज मैनू फायजा नू इस परिवार नू तेरी लोड़ है। घर दे हालात तां तू चंगी तरह जाननी है। मसा इकबाल दी नौकरी करके सब ठीक चलन लगा। मैं नहीं चाहता कि इस गल दा असर इकबाल दी नौकरी ते फैजा दे निकाह ते पवे। ए तुसी की सोचन लग पे हो जी, फैजा मेरी भी धी है, उन्हों भी मैं अपने ढिड्डो जम्मिया है। तुसी बेफिक्र रहो, इस गल दा जिक्र मैं किसी कोल नहीं करांगी, किसी कोल भी नहीं। साहब कहाँ? ओ तुसी हो साहब, तेरा ही काट दिया। हाँ पूछ क्या है साहब? एक पाकिस्तान दी चौकी तो आ रही। हाँ इधर अगली पाकिस्तान दी चौकी है तो कितनी दूर होगी? हाँ बहादुर सिंह को सब पता है, यहाँ से एक चौकी तो ये है। हाँ। एक चौकी जहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। 500 किलोमीटर? हाँ रुको। हाँ 500 नहीं, 1.5 किलोमीटर दूर। 1.5 किलोमीटर? हाँ तुम क्यों पूछते भाई? साहब मैं सोचता सी कि एक बारी पाकिस्तान जाए। मैं हाँ जा पाकिस्तान, वहां क्या अम्ब लेने जाना? खबरदार ऐसी हरकत की तो आप तो पिंड को जाएगा जाएगा, साथ में मुझे भी भेजेगा। नो स्टॉप। सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है, इशराकत से खबरें सुनिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मुल्कों के बीच में जो दोस्ती की बात चल रही थी वो ना होती हुई मालूम हो रही है। बॉर्डर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, इसलिए सभी छुट्टी गए फौजियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और उन्हें बॉर्डर पर पहुंचने का फरमान हुआ है। अपना ख्याल रखियो। इकबाल चंगा वे बशीर। अम्मी जान सब की है, फौज का बुलावा, सरहदां ते सख्ती वधा दित्ती गई, जाना पैण। इकबाल पुत्र बस दा वक्त होण डिया। जी अबू। चंगा खुदा सलामत रखे। अम्मी जान तुसी अजे तक मैनू उस हमशक्ल बारे दस्या नहीं। की दसां पुत्र, तू हमें ज्यादा ना सोचिया कर, इस धरती ते इको शक्ल दे 7 बंदे हुंदे ने। पर अम्मी जान उन्हें कहो कि मेरा भरा है। खुदा ने तुहानू तुहानू इको जी शक्ल बख्शी है पुत्र, इसलिए कह रहे होना। पर ए किवें मुमकिन है, साडी शक्ल हू बहू मिलती है, साडा प्यो एक नहीं, मां एक नहीं, उपरों साडा मुल्क भी एक नहीं। सारी कायनात नू बनाउण वाला ओ अल्लाह ता इक ही है ना पुत्र। टूर भाई लेट ना हो जी ज्यादा।
बैठिए मैं टपाना तेनू बाटर। ओ भाई मैं कोई कुछ बैठिया नहीं है यार, ओ मैं तो अपने भाई नु मिलना आया सी, मैनू बाहर कढ़ यार, की करियो तू छड़ दे यार। की नाम है तेरे भरा दा? इकबाल। बाल कौन? इकबाल। बोल इकबाल कौन? दस दे यार इकबाल अहमद। भाई तुसी की खेड बना छड़ी सो तीजे दिन बाटर टप के इधर। ओ भाई जी आपा भाई हां। ओ कोई भाई भुई नहीं तू मेरा, अम्मी नाल हो गई सी गल मेरी। अच्छा एक मिनट आ जा। ये तो मेरी अम्मी जान ये शख्स। ओ शख्स शख्स कानू हां, ये तो अपना बापू है मेरे पुत्र का। बापू ने थोनू बहुत लभ्या पर तुसी मिले नहीं, फिर बापू मैनू लेके हिंदुस्तान आ गया ते तू बाई जी मैनू लगता बेबी नाल फिर पाकिस्तान रह गया होएगा। अम्मी जान ने पता नहीं मेरे तो क्यों लुको रखिया, बाई ओदी भी कोई मजबूरी होनी है, नहीं केड़ी मां दा चित नहीं करदा अपने पुत्र नू मिलनू है। मजबूरी ते कोई रही होनी। हाँ भाई की हाल है मेरी बेबे दा? बड़ा जी करदा उन्हों मिलन। सब खैरियत ने, तू दस अबू दा की हाल है? अबू मेरे पुत दा बुले वड़ दा, मुंडा फौज हो गया उहदा। होर घर कौन कौन है? होर घर चूड़े वाली होनी है, मैं हाँ बापू आ बुले वड़ दे। हाँ एक प्रीतो है, बहुत प्यार करदा मैं प्रीतो नू। अच्छा काफ़ी मुहब्बत कर दिया तुसी प्रीतो जी। बस हुण तैनू की दसां, जट दी जान है प्रीतो च। तुहाडे नाल गल करन दे चक्कर मैं तां उहनू वी रसा लिया। बस हुण पिंड जाके ब्याह दी तरीक पक्की करनी है। तू दस भाई उधर कौन कौन है? घरे मैं, अम्मी, अबू, भैन फायजा, तेरी भाभी जानकी मेरी बेगम जमीला और तेरा छोटा जिहा भतीजा बशीर। ओहो मैं तो मेरे पुत्र के ना ही नहीं याद होने। रब जिन्ना सहारा होंदा भाइयों का भाई, हुण तो मैनू ऐ लगता जिवें मैनू मेरा रब ही मिल गया। अज तो मेरे पुत का मेरा गाउनू जी करी जांदा है। ते गाओ ना फिर, रोकिया किसने? हाँ खून ना डुले धरती उते, कोई ऐसी गुरमत छो जाए बंदूक दा गोली
सलीम। जी जनाब। इस चौकी ते किसी सिपाही का नामो निशान नहीं। ए चौकी की अल्लाह ताला ने सारे छड़ी हुई है। नहीं जनाब, इत्थे हौलदार इकबाल अहमद ते सिपाही गुलफाम खान की ड्यूटी है। मैनू तो कितने नजर नहीं आ रहे तेरे इकबाल ते गुलफाम। जनाब जनाब कितने गए थी दोनों? गश्त गए थी जनाब। चौकी का भी ख्याल रखिया करो, ए ना होवे तुसी गश्ते होवा पिछे हिंदुस्तानी तुहाडी चौकी ते आ गए तुहाडा ही असला ले जान। जी। ते तुसी इकबाल साहब अपना बैच लगा के रखिया करो, समझे? जनाब। ये पाकिस्तान आर्मी दा बैच इत्थे किवें? हमें तो आप नहीं पता डॉक्टर साहब, अपने सरपंच साहब। हां नहीं लंबड़दार साहब। मैनू लगता जी वो परले पासे उड़ के आ गया जी। हाँ। अच्छा तू क्यों नहीं चला गया उड़ के पाकिस्तान? तुसी इधर उधर होंदे हो ते पाकिस्तान वाले थोड़ी तलाशी लेके चले जाते ने। जना मिंत लगे अज नहीं हो बचना। ओहो इन्हों के चक्कर च मैं तो यह भी भुल गया पिंडो पिनिया लेके आया सर रांझे भाईजान ले। मैं देख के आना। पिनिया बनाने दे विच ते माँ हरे मेरी अम्मी। तू रुक मैं देख आना। गुलफाम भरावे की चीज है। जदों दा मिलिया इंज लगता जिंदगी की सारी घाट पूरी। ये पाकिस्तानी रेंजर इधर फ गया हुंदा। जवान पोजीशन। भाई जवान पोजीशन। जी जवान। रांझा सिंह गोली चला। मर गया मैं। रांझा सिंह गोली चला। रांझा सिंह। जी सर। रांझा सिंह गोली चला। मुर्गा मारा जाएगा मुर्गा मेरे भाई। रांझा सिंह गोली चला। टाइम तू गोली चलन चलाना ना इन्नी देर च पाकिस्तानी थोड़े बंपी है बुला दन। कोई लोड़ नहीं लाश को जान दी। आपे पाकिस्तानी रेंजर चक के ले जाएंगे। जवान मूव। सच्ची ठीक है? ओ रांझे मेरे भाई मैं बिल्कुल ठीक हाँ। जिदे ते अल्लाह ते वाहिगुरु दी मेहर होवे उनू भला की हो सकदा। गोली तो बस प्लेट च वज के लंघे मैनू कुछ नहीं होया। भाई जे किते मेरे तो गोली चल जांदी फिर। ऐ किवें चल जांदी? भावें आपां दुश्मन देश दे हां पर है कि तां आपां भाई हां ना। अरे देखे तो दोनों मुल्क भी तो भरा ही ने। कोई तीसरा लड़ा रहा है और हम लड़ रहे हैं। नौकरी छड़ती फिर भाई आप मिलिया किवें करांगे? बचपन तो सुनता आ रहा मां रब का रूप हुंदी है। मैं तो लगता मैं कदे अपने रब नू देखे ही नहीं।
बस एक बारी हुण मां नूं मिलना चाहुंदा यार। रांझे जे तू चाहे तो पाकिस्तान जाके एक बारी अम्मी नूं मिलके आ सकदे, पर तेरे ते किसे नूं शक नहीं होना चाहिए। उस तो बाद भावें आपां नौकरी भी छड्ड दी, पर रही गल चौंकियां दी, हुण दोहां चौंकियां दी राखी इको फौजी करेगा। रांझे तैनूं सब कुछ याद है ना? सदीक अंजा भाई पिंड दा ना पता लगता गया, इत्थों 1.5 किलोमीटर दूरों बस मिलनी है, उदो बाद फिर मैं पिंड तो उतर के तंगा करना है, तंगे तो सीधा सत्त च, और रात दा रटाई जाना है तू। रांझे इनकलाब भाई जान की बात ध्यान से समझ लेना, ए ना हो के इनकलाब भाई जान के पिंड गंगानगर गंज को भूल जाए। और एक बात और, अफगानिस्तान में तेरे को कोई पहचान ना पाए, ठीक है? क्यों कलाकंद जी, मैंने ठीक कहा? चंगा मैं चलता। चंगा भाई अपना ख्याल रखियो। ठीक है ठीक है, तुम भी चलो। जनाब तुसी पाकिस्तान छो? ओ अच्छा ही, फिर मुझे चलना चाहिए। तुरदा इंजे जिमें पाथियां च कहा जांदा हुंदा। किसे दा बकाया रह गया होवे तां बोल के ले लिया जी। हाँ ताड़ी टिकट होगी जे? हाँ आपा चक बत्ती। हाँ भाई जान तू ही कित्थे जाना ही? मैं वैसे तो जाना हूँ अपना। ओ बोलो भाई जान। खेड़ा पिंड सी मेरे पुत्र दा। भाई जान ओ खड़ जा जान। कमाल है। अग्गे केड़ा पिंड आंदा जी? हाँ चल चल जा तू ही दसो। मंडी सुन के बाबा बाबा मैं भी ऐसे जाना। अब बाबे दो ले ली। दो दे दे। हाँ मैं उतर के दे दूं पैसे। कोई गल नहीं मोहतरमा, तुसी किधर जाने? अरे साहब बड़ी कमाल की चीज भूल गया। अरे किकरे बड़ी लवे लवे लग रही है, जे ते अमरूद होते तो यूं बन जाता। अरे चिड़िया कितनी प्यारी हुआ। अरे अरे चिड़िया का डेला। हाथू सिंह साहब जैन सब ठीक चल रहा? हाँ जी ठीक है। हाँ जी ए मेरा साहब मैं फौजी रांझे के बारे दस। हाँ ए मेरा साहब मैं फौजी रांझे के बारे दस। बहादुर सिंह बोलना जाओ। हाँ जी तेरा जोड़ीदार नजर नहीं होता? हाँ जी हाँ पेशाब करने आई। ओ भाई जान तुसा खड़के पेशाब करन दे हो? ओ मेरे लाते गोली लगी हुई है ना। वाह फौजी साहब ता करके। जवान आया नहीं तेरा बंदा? आजे साहब कौन सा बंदा जी? जो तेरे ना ड्यूटी ते हुंदा। साहब मैंने दसा था मैं पेशाब करने गया जी। पिछले 20 मिनट तो पेशाब करी जा रहा, इदा नहीं आना, लगता मेनू आप ही लेके आना पऊ। लगता पड़े जावांगे। जवान जहन जनाब। तू किधरों भाई? जनाब तू तो कहता सी पेशाब करन गया। हाँ? जनाब मेरा ढिड खराब है जी, मैंने खुले च करन दी आदत है। जनाब नहीं हाँ? साहब जी जनाब जी साहब जनाब परले पासे वाले कहंदे आ। ए वसीम क्यों चुपचाप है आज? वसीम ने ते आपे चुप होना है ना, कल इंदी बेगम ने चक्की को लेंदी खूब बेइज्जती कीती है। हजूर हजूर भी आंदी रही, जुत्तियां भी बांधी रही। ओए जी ता कोई गल नहीं जे, इज्जत ता बदेरी करदी है मेरी। साजिद अच्छा। ओ वेख तेरे साला साहब आ रहे ना। हैगा ता ओए ओए हुन वेखी इज्जत किन्नू आंदे जे, टांगे तो उतर के सीधा मेरे वाल आना जे। चल जरा वेखदे आ। खुद वे खुद बुलाउना चले जा रहे हो चले जा रहे हो। ओए साला साहब की होया, कितने खो गए? फड़ी लिया फड़ो अभी फड़ी लिया।
ਸਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫਾਜ਼ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਫੜਾ ਦੇ ਹਲੋ ਲੋਕ ਦਾ ਸਾਲੇ ਦਾ ਓ ਜੀਜੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਪਿਆਰੀ ਐਨਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਜਦ ਮੀਆਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰ ਮਜ਼ਾਕ ਜੀਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਓ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਇਨਕਲਾਬ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ जनाब अपने भाई दा प्यार बचान खातर तुहानू रांझा बन के हिंदुस्तान जाना चाहिदा ओ तेरा दिमाग ठीक है तू क्या कह रहा है अगर ये हिंदुस्तान चले गया तो दोनों चौकियां खाली हो जाएंगी ये पगौड़े करार कर दिए जाएंगे कोई परवाह नहीं गुलफाम जी रांझे नू चिट्ठी लिख जी जनाब छेती तो छेती पिंड आवे प्रीतो दा व्याह रख सोना बनेगा ना सोने कपड़े पाएगा चल कमीज पा पाएगा जीते को न्याणा नहीं पाने इसका मतलब होता फिर पक्का पति है आ भैन है पाला पति पाएगा ना बल्ली कमली पहचान तो जरा कौन है पहचान ओ कमली है तेरा भाईजान 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 ओन्ना दे सलाम अलैकुम भाईजान रौला पा रखा इकबाल खुदा सलामत रखे मेरे पुत्र नू पुत्र सब खैरियत है ना ओ, की होया जे रांझा की करदा यार किते पी के ते नहीं आया ਉਹ ਚੇਤ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਘਰੇ ਹੀ ਉਹ ਝਟਕਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਜੇ ਚੇਤ ਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾ ਦਾ ਲੂ ਲੈ ਛੱਡ ਐਡਾ ਉਧਰੇ ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜੀ ਸੌ ਜਾ ਬਸ਼ੀਰ ਸੌ ਜਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ सांजा चल अखा बंद कर सांजा बशीर सांजा इत सौ ही नहीं रहा सांजा बशीर तेनू रब दा वास्ता सांजा बशीर की हाल है पुत्र ओह की कर रहे हो जे एक बारी जाग गया फिर दोबारा इन्हें सोना नहीं सांजा चल सांजा अखा बंद कर पानी मैं दवा मैं ले लेना सांजा चल सांजा बशीर मैं सलामा जी आजा पुत्र शाबाश मेरा शेर पुत्र सोई ना तेरे चाचे दी इज्जत दा सवाल है सोई ना
चाहिए तो नहीं। मैं पूछता जी, बशीर तू सौ गया पुत्र? ओ की करी जांदे हो, फड़ाओ सौ गया है। मैं इत्थे पल नहीं, नहीं। फड़ा दो इधर। ओ सरना दियो जलावे। की होया? ए तुसे की घटिया हरकत कर रहे हो मोहतरमा? घटिया होण? मैं घटिया हो गई? जदो दा फौज चो आया मौसम वांगू बदल गया है। मौसम? मैंने थोड़ी गल्ला पल्ले नहीं पै रही है। पल्ले तो तू मेरे पै गया माड़े टाइम च। तैनू पता है मेरा व्याह होण लगा है। व्याह हो रहा? मुबारक जी मुबारक। कोई काम हो तो दस्यो, जरूर आवांगे जरूर आवांगे जी। ए बंदे दा दिमाग हिल गया रांझिया, मैनू तेरे तो ये उम्मीद नहीं सी। धक्के खा। ए केड़ी उम्मीद लेके आई सी मेरे को? कमाल है, हिंदुस्तान विच वधाई भी कबूल नहीं कर। अदे विच गुस्से होने वाली तो मैनू लगता कोई गल है। ओ भेड़िया लादे, अप्रीतो इत्थे की करन सी ओए? प्रीतू जी सी? नहीं रतन बाणिया सी, साफ करना आए सी मेरे नाल। अखे तेने जनाब को टाइम नहीं आउंदा। आखण डिया प्रीतू जी सी, पहला उस बेचारी का ब्याह करवा छड्या जे, हुण पछाण नहीं डिया। ओए मसा मसा उहदा ब्याह होण डिया जे, जे हुण कोई करतूत खिलारी तां मैथों पूरा कोई नहीं। पता नहीं फौज की सिखण डिया, पहला प्यो नूं भी मेरे पुत दा कहिंदा सी ते हुण कट्टे बच्चे नूं जी जी आखण डिया। जी 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 बापू जी, बापू जी आपां प्रीतू जी दा व्याह तड़वा दे। किहदे नाल करवाउणा जी? रांझा कराएगा ना। ओ क्यों लत्तां तराउणा ना मैथों? पहला पिंड माणा तैनू पिंडों कढ़ाई, हुण मैनू क्यों कढ़वाउणा है? बापू जी मन जो ना बापू जी। ओ जदों तू जी जी आखण डिया ना, मैं तो जवाब दित्ता जाण डिया। उतरा मैं भी जाण डिया कि प्रीतू इस घर दी नूंह हो जाए तो चंगा ही, पर रिश्ता तोड़न तड़वाउण वाली गल ए तू देखणी जे। मैं कुछ नहीं जे करना, अंदर उतरे नाल ही ये रिश्ता जुड़ जाए तो और भी चंगा ही। तेजू दी सकीरी साडे नाल गूढ़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। आजा मेरे कन्ने दातिया, आजा अपनी गल आप ही कर छड़ी। मेरी इत्थे पहले बहुत ही बेइज्जती हुई है, गाड़ी होर नहीं करवा सकता मैं। बापू जी तुसी जी बस मेरे कोल बैठे रहना जी। ज्यादा जीजू ना करया कर तू, मैंने ओपरा ओपरा लगन डे। रांझा तेज को। वाह बापू जी क्या बात है, कोई खास वाकफियत लगती है थोड़ी इन्हें। फौज ने तमीज पम्मे सिखा छड़ी है, पर असल तेरे ओह ने आके खास वाकफियत लगती है। चल नी तेज खुरे आई क्या कह रहा हर नाम सिर में ना लेंदी आई। रुड़ जाने आ, तू फेर आ गया, किसे पासे ओ मौत नहीं पेंदी तैनू। जिंदे रह मर जाना। ओ तेरी हिम्मत की मैं पई हो इथे आउण दी? हां ओ बूटा सिया, ओ तैनू याद है ना पंचायत दा फैसला? साडी बेइज्जती करन च कसर रह गई सी कोई? जड़ा फेर आ गया तू, मैं बूटा से ओदे मुंह नु चुप्पा। तुसी एक बारी बैठ के इत्मीनान नाल मेरी गल ते सुनो। बैठो बैठो ਬੈਠਣ ਨਾਮ ਸਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਬੇ ਕਿਹੜੇ ਮਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਨਾ ਤੇਜ ਕੁਰੇ ਮਰਤਮਾਨ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ। ਸੋਚ ਲਿਆ ਬਈ,
ਪ੍ਰੀਤੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਛਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਲਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਲਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਿੱਥੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਮਾ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਤੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਿੱਥੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਛਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨੀ, ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਰਾਂਝੇ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਬਵਾਸ ਨਾ ਮਾਰ ਲਈ ਤਮ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਵੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਸਾਕ ਉਹ ਸੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਓਏ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਖੱਖਾ ਪਾਰ ਤੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਸਮਝਿਆ? ਪ੍ਰੀਤੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮਿੱਥੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ। ਚੱਲ ਬੂਟਾ ਸਿਆ, ਖਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਦੀ ਜੀ? ਵੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਰ ਕੀ ਪਰ ਓਏ, ਪਰ ਕੁਤਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਰੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਚੰਗਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਧੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ? ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਦਵਾ ਦਵ ਕੰਮ ਨਵੇੜ ਲੈ। ਪ੍ਰੀਤੋ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ, ਆ ਦੇਖ। ਲੈ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਂਗੇ ਇਹ ਜੇ ਭਗਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਸ਼ਿੰਦਿਆ, ਉਹ ਆ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਬਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਲੈ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ। ਬੱਲੇ ਹੋਏ ਚਾਚੀ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ, ਸਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਤੇ। ਪ੍ਰੀਤੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊ। ਵੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਪਾਂਦੂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ। ਓਏ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਅਸਲੀ ਹੀਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੋੜੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਸੂਟ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਪੂਰੇ 25 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ। ਓਏ ਸ਼ਿੰਦਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਜੇ ਤੈਂ ਛਿੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਭੰਨੂ। ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਮੂੰਹ ਮਰ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਛਿੰਦੇ ਦਾ। ਅੰਮੀ, ਇਕਬਾਲ ਮੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਬਦਲੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਏ। ਆਈ ਜੀ ਫਾਇਜ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਧੋ ਕੇ ਚੜਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਹੁਣੇ। ਜੀ ਅੰਮੀ। ਫਾਇਜ਼ਾ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ। ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੋ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦਾ ਹੱਥ ਥੋੜੀ ਫੜਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਜੇ। ਜੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ। ਤੇਰੀਓ ਭੈਣੂ ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਬਾਲ ਛੱਡ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਇਕਬਾਲ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ? ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਫੈਜ਼ਾ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ। ਸ਼ੌਹਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੋਊਗਾ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਫੜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਸੜ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਜੇ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਜਰਾ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕੁੱਟਤਾ ਸੀਗਾ।
की कहने आ जा लाओ छे के इना भार चके खलियां पाएगा उत रख छ तुरंत गोली मारन दे हुक्म जारी किते ने। ना पुत शिंदिया ऐ नहीं बोली था प्रीतो दा व्याह था तेरे नाले होगा। हाँ ये तो सब दलासे ने चाचा चाची ने तो रांझे नु कह भी दिता भी जाने लेके आ जा ते जाने पर शिंदिया बरात तो आओगी ना जे रांझा बचूगा। हाँ की मतलब मतलब ये कि रांझे नू बढ़ाऊंगा मैं। हाँ। शराब भी मैं बुलाऊंगा। हाँ। तू कुछ नहीं करना। हाँ। पैग भी मैं बुलाऊंगा तू कुछ नहीं करना। हाँ। चली भी मैं करूंगा तू कुछ नहीं। हाँ। करना बस तू था ना कंडासा लेके उदा काटा ला दे। हाँ। नहीं कम है चाचा तू बुजुर्ग हो गया हूं इन्ने काम करता चंगा लगेगा इन्ने औखे औखे काम मैं करूंगा बस। अच्छा। तू एक छोटा जा काम गाटा लाने वाला कर। ठीक है ठीक है चल फिर खिंच पाएगा। बड़ा भी है रांझा व्याह दे चाच नींद ही नहीं आउंदी। नहीं ओ मैनू घबराहट जी हो रही सी तां। अच्छा अच्छा आ व्याह तो पहला घबराहट जी हो ही जाती है। नहीं नहीं ऐसी गल नहीं है। ओए होर कैसी गल है भरापा एक दूजे दे दिला दिया जानदे आ तू ऐ कर आ चक पर दो कुटा फिर तेरी घबराहट जी जे ना दिल्ली तो बम्बे पहुंची था कहीं। मैं पींदा नहीं है रांझा दारू नू ना करे है गल हजम नहीं हो रही है। कौन नहीं जानता पिंड च अपनी यारी नू यारी जट दी सूत दा मोछा कदे ना बचालो टुटदी बड़ा भी है लगता है रांझा भाई जान दे खास दोस्त ने क्यों ना मेरे नाल गल कर ला। ओए रांझा किवें सोनी हो गया रांझा नहीं भाई जान असी दोवें हमशकल जे किते प्रीतू दा व्याह मेरे नाल हो गया बहुत गलत हो जाएगा। तू फिक्र ना कर प्रीतू दा ब्याह नहीं तेरे नाल होण देंदे। ओ तू रांझे दा भरा नहीं छिंदे दा भी भरा है तेरा कोई इत्थे बाल पिंगा नहीं कर सकदा जा ऐश कर छिंदे दे सिर ते ऐश जा सौ जा सिर थले बां रख के राम नाल। जनाब इकबाल अहमद साहब ते घर गए ने छुट्टी लेके पर साडे ख्याल नाल ते इकबाल अहमद साहब ने छुट्टी दी कोई अर्जी नहीं दित्ती। जनाब वो जल्दी च असी तां करके अर्जी नहीं दे सके। सलीम जी जनाब
फौरन मुतलक पुलिस स्टेशन में इत्तला करो जी कि इकबाल अहमद को अरेस्ट करके हेडक्वार्टर्स पेश करें। जी जनाब। लखां लोक अफरा तफरी दे आलम विच अपने तो विछड़े मैं अपागण भी मैं ते फैजा दे अबू ने तुहानू लभण दी बहुत कोशिश की थी की बीती किवें दसा टिट पाड़िया रत निकलदी है पुत्रा इकबाल दी खातिर मैनू फैजा दे अबू नाल निकाह करना पिया पुत्र मेरे नाल वादा कर कि इस गल दी पाफ तो किसे कोल नहीं कड़ेंगा किसे कोल भी नहीं बेफिक्र हो जा मां ओ खड़ जा बकरी ओ लेनी जेड़ी कैदा बढ़दी है सारे नहीं जाना सस वाले ही लड़दी है ए चक लो जी उही कही जांदे ने हिंदुस्तान पाकिस्तान ते तो बकरियां भी ओही दी है ए भाई जान हाँ जी भी इकबाल अहमद का घर केड़ा इकबाल अहमद मैं पूछ क्यों ना इकबाल नहीं रांझा है तुसी फिकर ना करो मीजान मैं करना कुछ अच्छा तो फिर वह हिंदुस्तानी है वो इन लाश हटो तले कुछ न गई चल चल जनाब आ घुसपैठिया ने तो बड़ा ही लहू पीता होया है बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कल एक बंदा फड़िया अच्छा जी लिबास तो अपने आई जदो कपड़े लवाए तो निकलिया हिंदुस्तानी फिर जनाब फिर की
चुक लिया पटा फेरिया कीती सेवा पूरी। जीजा जी जनाब जनाब जिन्हू तुसी पगौड़ा फौजी समझ के फड़िया होया है ना वो अपने मुल्क दा नहीं हिंदुस्तान मुल्क दा सिपाही रांझा जे इंदी ते इकबाल दी शकल इको जही जे हू बहू एदा मतलब है पाकिस्तानी नहीं ए हिंदुस्तानी है। हाँ फड़ा 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 क्या फड़ा वाले होगी मेरी ती तैयार। हाँ ताई चलो भाई नंदा ते लेके चलो फिर चलो चलो अब बंद करो टोल टमका और सारा दिन ही कम करी जाने और नंदा दा टाइम हो गया पहला नंदा करा लो चलो भाई नंदा दा टाइम हो गया भाई आ गया भाई शिद्दा शेर अरे रुको ए पढ़ावी है चलिया सी प्रीतो नाल नंद पढ़ाउण प्रीतो ता छिंदे दी मंग है आ ठाड़ेदार साहब दस्से नु माड़ा जा ए मुंडे नु फौरन गिरफ्तार करना पऊगा ए मुंडा पाकिस्तानी आ एक मिनट मैं थानू दसदा ओ गल एदा के बच गया मुड़े हो गोली मार देंगे तेरे भाई जी रांझे तो ठीक है इन दोनों मुल्कों ने रल के आप गद्दार साबित कर देना वो सरहदां तुसी पाईयां दुश्मन सानू बनाता वो साडियां दो अखां भी नहीं सी खुलियां जदों दा सानू वैरी बनाता एक दूजे एक मां दे जाए हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी बनाते दोनों के हाथों च बंदूक फड़ा दी हूँ कौन की नू मारे भरा भरा नू मारे या दुश्मन दुश्मन नू मारे रांझे मैनू लगता ज्यों जी इन्होंने अपन कट्ठे नहीं होने देना पर सानू कट्ठे नू मरन तो नहीं रोक सकते ना रब वर्गी मां दी गोदी से रख के सो लिया हुण मरन दा कोई डर नहीं चलो ज्यों ते जी अपनू था मिलने मौत दा खौफ तां हुण मैनू भी नहीं